तो दोस्तों, अगर आप एक अपना Amazon Affiliate ब्लॉग बनाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, और उससे अच्छा खासा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपना एक प्रोफेशनल लुकिंग Amazon Affiliate ब्लॉग बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल ये ब्लॉग लग रहा है, कितना नीट और कितना सिंपल सा ये ब्लॉग है। अगर कोई इस ब्लॉग पर आ जाता है तो उसे ऐसा लगेगा कि ये कोई शॉपिंग वेबसाइट ही है। और हाँ दोस्तों, ये जो ब्लॉग बना है ये कोई वर्डप्रेस पर नहीं बना, blogger.com को यूज करके हम इस ब्लॉग को बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह का ब्लॉग बनाने जाओगे मार्केट में तो आपकी अराउंड 8,000-10,000 से ऊपर ही आपका खर्चा आएगा इस तरह का ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए टुडे डील्स है, फिर यहाँ पर टुडे डील्स के प्रोडक्ट्स है, उसके बाद यहाँ पर आप Amazon का एफिलिएट ऐड लगा सकते हो, या अगर आप चाहो तो एडसेंस का भी ऐड लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेस्ट डील वाली कैटेगरी है, सेक्शन है, यहाँ पर देखिए अलग प्रोडक्ट्स है, फिर उसके बाद नीचे एड्स आएंगे, और फिर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट डील्स रहेंगे, यहाँ पर जो भी लेटेस्ट डील्स होंगे वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद फिर एक ऐड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बार में यहाँ पर हमने कुछ Amazon के एफिलिएट प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, और उसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऐड देखने को मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हॉट डील्स एंड ऑफर और रिसेंट सब कुछ। यहाँ पर एक प्रोफेशनल ब्लॉग आपका बनने वाला है अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ओपन करके आपको डेमो दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर से इस वाले प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल तरीके से आपकी इमेज आ गई है, और यहाँ पर आपको बाय नाउ का बटन भी मिल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर से कोई भी बाय नाउ करता है तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा Amazon के वेबसाइट पर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना एक मुफ्त में Amazon एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहते हो और उससे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस तरह का प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, ये जो वीडियो बनी है काफी अच्छी वीडियो है, काफी डिटेल में मैंने आपको हर वो चीज बताई है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। इस वीडियो में काफी मेहनत लगी है, आप देख सकते हो कितनी लंबी ये वीडियो बनी है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर जाना होगा, और ब्लॉगर पर जाकर अपना एक ब्लॉग बनाना होगा। अब ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं पता तो आप YouTube पर वीडियो सर्च कर सकते हो और आप एक ब्लॉग बना सकते हो। अब मैं इस वीडियो में ब्लॉग बनाना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा एक पुराना ब्लॉग है तो मैं उसी का नेम यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप एक न्यू ब्लॉग बनाने जाओगे तो यहाँ पर चूज़ ए नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का नेम दे सकते हो, आपको अपने ब्लॉग का नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का नेम दे रहा हूँ डील 365, और उसके बाद आपको अपने ब्लॉग का URL देना है, एड्रेस देना है डील 365। आई होप ये अवेलेबल नहीं होगा सर, देख सकते हो आप नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर से कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डील्स 365 फॉर यू अवेलेबल है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ मेरा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरा जो ब्लॉग है अब ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर से देखिए, आप एक बार मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग बनता है वो कैसे दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ब्लॉग है कुछ इस तरह का लगेगा जब आप एक न्यू ब्लॉग बनाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक थीम का लिंक दिया है जो हम आज इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं अपना एक एफिलिएट ब्लॉग बनाने के लिए। तो आपको उस लिंक पर जाना है और जाकर उस थीम को आपको डाउनलोड कर लेना है। थीम को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको आना है अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो थीम, आपको थीम पर आ जाना है। और थीम पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले 3 डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रीस्टोर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड सेलेक्ट करना है, और वो जो फाइल आपने डाउनलोड की है अभी उसे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो थीम है, तो आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर देना है।
तो यहाँ पर ये जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो थीम प्रीव्यू करंटली अनअवेलेबल, तो इसको आप इग्नोर करिए, आपकी जो थीम है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस वाले टैब में, हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का लग रहा था, तो मैं अब यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ब्लॉग है कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पर थीम सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है, आपके ब्लॉग का लुक जो है वो चेंज हो गया है। तो अभी हमें इस ब्लॉग को जो है वो कस्टम करना है, तब जाके आपका जो ब्लॉग होगा, मेरा जो ब्लॉग है जो मैंने आपको बताया वैसा लगेगा। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी कस्टमाइजेशन करनी होगी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ ऊपर से, ताकि हम कुछ भी मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक लोगो लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डील 24, ये जो लोगो है इसे आपको अपने लोगो से चेंज करना होगा। तो आपके पास एक लोगो होना ज़रूरी है, तो आप अपना लोगो बना लीजिए। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको यहां पर ब्लॉगर पर आ जाना है, और ब्लॉगर पर आने के बाद यहां पर आप देख सकते हो लेआउट आपको इस पर आना है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हेडर, तो आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगो यहाँ पर सेलेक्ट है, तो आपको इसे रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चूज़ फाइल, और अपना जो लोगो है वो अपलोड कर दीजिए। अभी के लिए मैं फ़िलहाल वही लोगों को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आपको लोगों का साइज़ भी यहाँ पर बता देता हूँ कि विड्थ कितनी होनी चाहिए आपके लोगों की, और आपके लोगों का जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विड्थ जो है वो 391 होना चाहिए, हाइट 112, यानी कि 391 × 112 का आपका लोगो होना चाहिए। तो आपको सिंपली ओपन कर देना है, जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपका जो लोगो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव कर देना है। अब ये जो चेंजेस आपने किए हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, तो आना है यहाँ पर आकर एक बार आपको रिफ़्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे तो ये जो है ना आपका, मतलब आपका जो लोगो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो हमने उसी को यूज़ किया है इसलिए वो यही है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डील्स ऑफ द मंथ, अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप इसको डील्स ऑफ द मंथ को चेंज करके कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लीजिए टुडे डील्स, हॉट डील्स, इस तरह का अगर आप कुछ चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए सेम हमें फिर से लेआउट पर आना होगा, और लेआउट पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो डील्स ऑफ द मंथ, तो आपको यहां पर एडिट पर क्लिक करना है। और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो डील्स ऑफ द मंथ है ना, तो यहां पर आप कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आपको यहां पर से हटाकर लिख देना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टुडे डील्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया टुडे डील्स। तो आपको जो भी टाइटल रखना है वही आपको टाइटल में एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट, तो आपको यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वही लिखना है, ना कोई स्पेस या कुछ भी चेंजेस या इसमें नहीं होने चाहिए। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो मैं जैसा ही सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो टुडे डील्स आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर टुडे डील्स में प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो वो अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें ब्लॉगर पर आ जाना है, और ब्लॉगर पर आने के बाद आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी कर सकते हो आप न्यू पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना एक पोस्ट बनाना होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप टुडेज कैटेगरी में यहाँ पर डालना चाहते हो आपको यहाँ पर वो पोस्ट आपको क्रिएट करना होगा। तो अब हम एफिलिएट पोस्ट कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए आपको अपने अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो अब हम एफिलिएट पोस्ट कैसे क्रिएट करें, दोस्तों जब आप अपना एक एफिलिएट ब्लॉग बना रहे हो तो आपके पास एफिलिएट अकाउंट होना ज़रूरी है, और होगा भी आपके पास। तो आप अपने अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर से आपको अपना प्रोडक्ट सर्च करना है, जो भी प्रोडक्ट आप टुडे डील्स में ऐड करना चाहते हो, जिस भी प्रोडक्ट को आप अपने ब्लॉग में ऐड करना चाहते हो वो आपको यहां पर सर्च करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं पावर बैंक, तो यहाँ पर से बहुत सारे पावर बैंक्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट ही चूज़ करना है। आपको प्रोडक्ट को ओपन करना है और उसका रिव्यू देखना है कि वो अच्छा है या नहीं, उसके बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमआई का ये पावर बैंक है 10,000 mAh का,
तो मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करना है अपने ब्लॉग पर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर आप देखिए इसका जो टाइटल है यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। आप जस्ट कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए, आने के बाद यहाँ पर टाइटल में आपको वो टाइटल दे देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है इसकी, तो आपको इमेज के ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो ओपन हो जाती है, तो राइट क्लिक करके आपको इमेज को सेव कर लेना है। इमेज को आप सेव कर लेने के बाद आपको फिर से अपने ब्लॉगर पर आना है, और ब्लॉगर पर आने के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट में इमेज को ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंसर्ट इमेज, तो आपको इस पर क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो इमेज आपने डाउनलोड की है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सिंपली मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो रही है, तो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद बस इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इमेज ऐड हो गई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से आप देख सकते हो इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन में ओपन हो। तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अमेज़ॉन के इस पर आ जाना है, और आने के बाद आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स अपने ब्लॉग पर देनी होगी। यहाँ पर आपने सिर्फ इमेज दी है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ इसके बारे में देना होगा। तो सिंपली आपको हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी भी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, इसको सारा का सारा आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है अपने ब्लॉगर पर, और ब्लॉगर पर आने के बाद आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पोस्ट है, आपके पोस्ट में जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना होगा बाय नाउ का। जैसे ही कोई उस बटन पर क्लिक करेगा तो वो सीधा पहुँच जाएगा आपके Amazon affiliate लिंक से Amazon के ऊपर। तो अब आपको यहाँ पर वो बटन ऐड करना है। बटन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहो तो गूगल से सर्च करके कोई भी बटन आप निकाल सकते हो, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर से आप उस बटन को अपलोड कर दीजिए। तो आपको सिंपली इस बटन को अपलोड कर देना है। तो जहाँ पर भी आपने बटन को डाउनलोड किया है जस्ट सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अपलोड कर देने के बाद आपको एक बार बटन को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो बटन है वो आ चुका है। ये बटन काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जितना आप चाहो आप उतना छोटा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से इतना बटन का साइज़ कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड बटन दिया है, अगर आप चाहो तो एक और डाउनलोड बटन भी दे सकते हो, कहीं पर भी यहाँ पर लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पर मैंने एक बटन लगा दिया है। तो अब आपने यहाँ पर एक पोस्ट तो क्रिएट कर लिया है, आपने टाइटल दे दी, आपने इमेज दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी, बाय करने का बटन दे दिया, बट अब यहाँ पर आप अपने Amazon की लिंक कैसे लगाओगे ताकि कोई भी बंदा अगर जाके परचेज़ करता है तो उसका कमीशन आपको मिले। तो इसके लिए आपको आ जाना है Amazon के जिस जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर रहे हो आप वहाँ पर आपको आ जाना है, और आ जाने के बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पर एक गेट लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी एफिलिएट लिंक आ जाती है। यहाँ पर शॉर्ट लिंक है, फुल लिंक है, आपको शॉर्ट लिंक को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आइए अपने एफिलिएट मतलब अपने ब्लॉग पर, और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपने यहाँ पर दो इमेजेस लगाई है, एक आपके प्रोडक्ट की और एक बाय नाउ की। तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट वाले उस पर इमेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिंक आ गई है, तो आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, और क्लिक करके इस वाली लिंक को सेलेक्ट ऑल करके हटा दीजिए। उसके बाद आपकी जो लिंक है उसे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए, सेम एज इट इज़ आपको ये बाय नाउ बटन के साथ भी करना है। इसको आपको सेलेक्ट ऑल करके हटा देना है, और आपकी जो लिंक है आपको उसे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है हमें इस पोस्ट को पब्लिश करना है। तो पोस्ट पब्लिश करने से पहले आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये जो डील्स टुडेज डील आपने दिया है ना,
आपको इसे कॉपी कर लेना है या फिर आप एज इट इज़ आपको ऐसे ही टाइप करना होगा, ना कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस आप दे सकते हो, ना कोई मतलब यहाँ पर जैसे है ना आपको वैसे ही यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड लेबल्स, यहाँ पर लेबल्स हैं तो ऐड लेबल्स, तो ये जो है ना ये लेबल है, तो आपको इस कैटेगरी में पोस्ट को लाने के लिए यही लेबल को यूज़ करना है अपने हर प्रोडक्ट में हर पोस्ट में। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेम एज इट इज़ एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे डील्स आ गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको सिंपली पब्लिश कर देना है। यस, कंफर्म कंफर्म कर दीजिए, और कर देने के बाद आपका जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। तो अब हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा, तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो चलिए हम एक बार इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है। तो सिंपली मैंने यहां पर प्रोडक्ट पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो बड़े ही ऑफिशियल मतलब बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से यहां पर आपका जो पोस्ट है वो रेडी हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो आपका टाइटल है, फिर आपके प्रोडक्ट की इमेज है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन है, फिर बाय नाउ का बटन है, उसके बाद नीचे यहां पर आपको एक ऐड नजर आ रहा है, इसे हम आगे चेंज करें। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट है आपके ब्लॉग पर और यहां पर टुडे डील्स के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब आप जितने भी प्रोडक्ट्स टुडे डील्स के अंदर ऐड करना चाहते हो आपको सिंपली उसी मेथड को फॉलो करना है, न्यू पोस्ट पर आना है, आपको सिंपली अमेजॉन पर जाकर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और उसका टाइटल आपको टाइटल में दे देना है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कॉपी कर लेना है, उसके बाद इमेज भी आपको ऐड कर देनी है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया यहां पर से आपको अमेजॉन की आपकी एफिलिएट लिंक मिलेगी, आपको उसे भी लगाकर अपने पोस्ट को रेडी कर देना है, बाय नाउ बटन भी आपको लगा देना है। अभी हमने इस वाले पोस्ट में जैसे किया है सेम एज इट इज आपको सारे पोस्ट में फॉलो करना है, और ध्यान ये रहे यहां पर आप देख सकते हो लेबल टुडे डील्स, जितने प्रोडक्ट आप इस डील में ऐड करना यहां पर ऐड करना चाहते हो आपको यही वाले लेबल को यूज करना है। तो आप सिंपली वन बाय वन यहां पर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो माइल्स वेब यहां पर एक ऐड शो कर रहा है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहो लगाना तो आप अपने एडसेंस का कोड भी एडसेंस का ऐड भी लगा सकते हो, शो करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास एडसेंस का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप अमेज़ॉन का एफिलिएट ऐड बैनर भी लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ पर से अमेज़ॉन का ऐड लगाएंगे, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एडसेंस अप्रूवल नहीं है, तो इसके लिए हमें अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट में आ जाना है, और आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट लिंकिंग, तो आपको यहाँ पर बैनर्स पर आ जाना है। तो जैसे ही आप बैनर्स पर आ जाते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बैनर के साइजेस दिए गए हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर 728x90 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बैनर है हमें लगाना है, तो सिंपली आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है अपने ब्लॉग पर, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लेआउट पर आपको आना है, और लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज ओनली ऐड स्लॉट, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कोड है आपको इसको सेलेक्ट ऑल करके हटा देना है, अपना जो कोस्ट है उस कोड है उसे पेस्ट कर देना है, सिंपली सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद अभी हम आ जाते हैं ब्लॉग पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऐड शो कर रहा था, देखते हैं हमने चेंज तो किया है, चेंज हुआ है या नहीं, तो सिंपली यहाँ पर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो ऐड है यहाँ पर शो करने लग गया है। तो अब जब भी कोई भी इस ऐड पर क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाकर 24 आवर्स के अंदर कोई भी चीज़ बाई करता है तो उसका जो कमीशन है आपको मिल जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंट एंड ऑफर्स, तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे टुडे डील्स, तो यहाँ पर कुछ और था, हमने चेंज करके टुडे डील्स रखा है, वैसे ही अगर यहाँ पर देखिए डिस्काउंट एंड ऑफर्स है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, सेम हमने इसको जैसे किया वैसे ही करना है। आपको इसके लिए ब्लॉगर पर आना है, उसके बाद लेआउट पर आना है, और लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंट एंड ऑफर्स है, आपको एडिट पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर से जो भी चेंज करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हो, तो मैं डिस्काउंट एंड ऑफर्स हटा कर मैं यहाँ से दे देता हूं बेस्ट डील्स, तो मैंने यहां पर बेस्ट डील्स दे दिया। आप यहां पर टाइटल में जो भी रख रहे हो आपको वही सेम यहां पर कंटेंट में भी रखना है, और सेव कर दीजिए।
तो अब यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट एंड ऑफर्स वाला, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्काउंट एंड ऑफर्स था वो चेंज होकर बेस्ट डील्स हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, इसके लिए आपको ब्लॉगर पर आना है। सेम आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अमेज़ॉन के अकाउंट पर आ जाना है। अमेज़ॉन पर आने के बाद होम में आ जाइए और यहाँ पर से आपको प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है जो भी आप यहाँ पर बेस्ट डील्स में ऐड करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर से कुछ भी आप सर्च कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर से सर्च करता हूँ बेस्ट हेडफोन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने बहुत ही सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो आपको सिंपली उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको बोला एक बार आप रिव्यू देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर से ये बोट वाले को ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए और उसके बाद आपको टाइटल को कॉपी कर लेना है। टाइटल को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आइए यहाँ पर आकर यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद आइए फिर से यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर से इमेज को डाउनलोड करना है। क्लिक कीजिए इमेज पर, इमेज डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली आना है ब्लॉगर पर और आने के बाद यहाँ पर इमेज पर इंसर्ट इमेज पर क्लिक करके आपको अपनी इमेज जो आपने डाउनलोड की है उसे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर से इमेज को अपलोड कर देता हूँ। इमेज अपलोड कर देने के बाद सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पर से, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अमेज़ॉन पर आना है फिर से उस वाले प्रोडक्ट पर, और आकर यहाँ पर से आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद फिर से आना है अपने पोस्ट में, और आने के बाद आपको यहाँ पर एक एंटर दे देना है और जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक बाय नाउ का बटन लगाना है। तो हमने इस अभी जो पहले बाय नाउ वाला बटन डाउनलोड किया था आपने, आपको उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर इंसर्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ब्लॉगर को सेलेक्ट करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर नहीं, ऑलरेडी आपने एक बार किया है तो आपको ब्लॉगर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लॉगर पर क्लिक करते हो तो आपके सारे इमेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर से हमें ये बटन चाहिए डाउनलोड बाय नाउ वाला, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेम आपको इसका साइज अगर आप कम करना चाहो तो आप कर सकते हो। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी लिंक ऐड करनी है। तो जाइए उसी प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर गेट लिंक टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है, शॉर्ट लिंक बनानी है, कॉपी करना है, आना है अपने ब्लॉगर पर। इस वाली इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना ब्लॉग यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एड्स है अप्लाई ये वाले एड्स है। तो वैसे अब हमें ये लगाने होंगे, ये बने वाले बने नहीं लगाने हैं। तो अब हम लिंक को देख लेते हैं कि ये एड्स हम कैसे लगा सकते हैं, ये प्रोडक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेबल देना है। अब आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर बेस्ट डील में अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपका जो लेबल होगा वो होगा बेस्ट डील्स। कोई भी अल्फाबेट के जरिए भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपको फिर बेस्ट डील्स आएगा, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट कर, लेबल आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको पब्लिश कर देना है, कंफर्म कर देना है। और जैसे ही आपका एक बार पोस्ट पब्लिश हो जाता है, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं शो कर रहा, तो सिंपली आपको यहाँ पर से रिफ्रेश कर दीजिए और आप देख सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली बेस्ट डील्स में ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और हाँ सॉरी गाइज, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। यहाँ पर देखिए हमने पोस्ट ओपन किया है, तो यहाँ पर आपने जो भी अभी बटन्स लगाए हैं, इमेजेस लगाए हैं ना, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लिंक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो, आपको ये सेलेक्ट करना है, ये मैं भूल गया था बताना, अप्लाई कर देना है। सेम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए, ओपन इन ए न्यू विंडो, आपको इस पर क्लिक करना है। क्योंकि जब भी कोई अगर यहाँ पर क्लिक करेगा आपके इमेज या बटन पर तो एक न्यू विंडो ओपन होकर वो अमेज़ॉन पे जाएगा, ये आपको करना है जो मैं भूल गया था बताना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर बेस्ट डील तक कंप्लीट कर लिया है, प्रोडक्ट को भी ऐड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो एड्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप दो एड्स लगा सकते हो। आप चाहो तो अमेज़ॉन का एफिलिएट ऐड लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एडसेंस का भी ऐड यहाँ पर शो कर सकते हो, लगा सकते हो।
तो हमारे पास यहाँ पर एडसेंस के एड्स नहीं है, तो हम यहाँ पर गूगल सॉरी अमेजोन के दो एड्स लगाएंगे। तो इसके लिए आपको ब्लॉगर पर आ जाना है आपके, और उसके बाद यहाँ पर लेआउट पर आना है, और लेआउट पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट डील, यहाँ पर देखिए बेस्ट डील, उसके नीचे यहाँ पर एड्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट डील्स सॉरी यहाँ पर है, तो उसके नीचे यहाँ पर ये दो एड्स है, तो हमें इसको चेंज करना है। तो सिंपली इसके लिए हमें जाना होगा अमेज़ॉन के अपने अकाउंट पर, एसोसिएट अकाउंट पर, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट लिंकिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर बैनर पर आ जाइए। बैनर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 300 × 250, आपको इस वाले कोड को कॉपी करना है। सिंपली कॉपी कर लीजिए, और कॉपी कर लेने के बाद आइए ब्लॉगर पर, और यहाँ पर ये जो है ये पुट योर एड कोड है, आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद इस वाले कोड को आपको हटा देना है, अपना कोड पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद सिंपली सेम यहाँ पर भी आपको उसी कोड को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया है। इसे सारा सेलेक्ट रोल कीजिए, हटा दीजिए, आपका कोड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव करते हो तो आपका यहाँ पर देख सकते हो ये सेम रश कुछ अलग ऐड शो कर रहा है। अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ हमारे जो एड्स है वो आए हैं या नहीं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो दो एड्स थे वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स डील्स, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना ये आप अपने ब्लॉग पर जो भी नया प्रोडक्ट ऐड करते हो, नया आर्टिकल आप जो भी ऐड करते हो, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, आप चाहे इसमें करो या आप चाहे इसमें या किसी और में, वो सारे यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट डील्स में यहाँ पर कलेक्ट करके आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो करता है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, तो आपको इसके साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब बारी आती है यहाँ पर एक और ऐड है, तो आपको इस वाले ऐड को चेंज करना है। तो फिर से आपको अमेज़ॉन के अकाउंट पर आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पर 728 × 90 वाले ऐड कोड को आपको कॉपी कर लेना है। फिर से लेआउट में आना है, और लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम ऐड, हाँ यही है बॉटम ऐड 728 × 90, आपको इस पर क्लिक करना है, और ये जो ऐड कोड यहाँ पर है आपको इसे हटा देना है। हटाकर आपका जो ऐड कोड है उसको आपको लगा देना है, सेव कर देना है। चलिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं ये जो है चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी चेंज हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर इस वाले ऐड को भी हटाकर अपना ऐड लगा दिया है। तो अब बारी आती है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइड बार में ऐड शो कर रहा है स्टार्ट डाउनलोड, तो अब हमें इसको चेंज करना है। इसके लिए आपको जाना है अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पर, और अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऐड कोड है 300 × 250, आपको इसके कोड को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको आना है आपके ब्लॉगर पर, और लेआउट में आ जाइए। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जावा HTML जावा स्क्रिप्ट है, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करने के बाद ये जो कोड है इसको हटा कर आपका जो कोड है उसे पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करते हो तो शायद आपका ये जो है चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, आपका ऐड शो कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट डील्स एंड ऑफर्स, यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। हॉट डील्स एंड ऑफर्स में आपके ब्लॉग पर आपके ब्लॉग्स पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स किस वाले प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, वो यहाँ पर हॉट डील्स एंड ऑफर्स में ऑटोमेटिकली व्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर शो करता है। अभी यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट्स है, शायद इस वाले प्रोडक्ट को मैंने ज़्यादा व्यू किया है तो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो यहां पर ऐसे ही हॉट डील्स एंड ऑफर्स अपने हिसाब से, मतलब जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है वो यहां पर आ जाता है। आई मीन टू से कि आपके ब्लॉग पर व्यूअर्स कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा देख रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर ये प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल ऑन करते हैं तो यहां पर आप देखिए अबाउट मी लेबल्स,
ब्लॉग आर्काइव, ये मतलब ये सारे फालतू की चीज़ें हमें नहीं चाहिए अपने ब्लॉग पर, तो इन सब को आपको हटा देना है। तो इसके लिए आपको जाना है लेआउट पर, और लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड बार में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट मी, आपको इस पर एडिट पर क्लिक करना है और आपको रिमूव कर देना है, हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद पेजेस है तो आपको पेजेस को भी रिमूव कर देना है, और उसके बाद रिपोर्ट अब्यूज तो आपको ये भी नहीं चाहिए, इसको भी आपको सिंपली रिमूव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल्स है तो लेबल्स भी हमें नहीं चाहिए, रिमूव। और यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें रिमूव कर देना है जो भी आपको नहीं चाहिए। ब्लॉग आर्काइव फिर से एडिट पर क्लिक किया मैंने, रिमूव कर दिया, और यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर एट्रीब्यूशन बचा है तो हमें ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब चलिए एक बार चलते हैं ब्लॉग पर और रिफ्रेश करके देखते हैं ये जो सारी यहाँ पर देखिए ये जो कचरा है वो रिमूव हुआ है या नहीं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर से सब कुछ हट चुका है, यहाँ पर अब कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक और चीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोस्ट ये जो शो कर रहा है ना, ये हमें मतलब बेमतलब का है, ये जो फीचर पोस्ट जो होता है वो है। अगर आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से अपना जो ब्लॉग है वो बहुत ही फ्रेश अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो हमें इसको भी हटा देना है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर पोस्ट, तो इस पर एडिट पर क्लिक कीजिए, करने के बाद यहाँ पर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं एक बार अपने ब्लॉग को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब आप यहां पर देख सकते हो वो जो फीचर पोस्ट था वो रिमूव हो चुका है, अभी ब्लॉग सिंपल लग रहा है। तो इसके लिए हमें अपने Amazon Affiliate अकाउंट में जाना होगा, और जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो होम, आपको होम पर आ जाना है, और होम पर आने के बाद जिस भी प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हो आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पर से ऐड सर्च कर देना है। यहाँ से मैं स्मार्ट वॉच सर्च कर देता हूँ, तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो गेट लिंक है, उसके बाजू में यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो की तरह है, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बिल्ड लिंक है, आपको बिल्ड लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बिल्ड लिंक पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने ये आ गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर से इस वाले कोड को कॉपी कर लेना है, आप यहाँ पर हाईलाइट कोड पर क्लिक करके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो इसको कॉपी कर लीजिए, अब आ जाइए अपने ब्लॉग के लेआउट में, और लेआउट में आ जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर कुछ यहां पर साइड बार में यहां पर ये जो बहुत सारे M2 से के गैजेट्स है, तो आप इनमें से किसी में भी आप ऐड लगा सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो ऐड ए गैजेट, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर से आपको HTML JavaScript को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अभी जो कोड आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है, और यहां पर से सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव कर देते हो एक बार रिफ्रेश करके हम देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हो, वेट ए मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे करें, तो सिंपली आपको फिर से वहीं पर आ जाना है Amazon अकाउंट पर, आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो आपको सिंपली उसको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद चलिए मैं चलिए इस वाले प्रोडक्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली इसी पर आना है, यहाँ पर क्लिक करके बिल्ड लिंक, फिर से आपको उस कोड को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर से इस वाले कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कोड कॉपी कर लेने के बाद ब्लॉगर लेआउट में आना है, और लेआउट में आने के बाद अभी जो प्रोडक्ट आपने जिस भी गैजेट में ऐड किया था, विडजेट में ऐड किया था, आपको उसी पर यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट, आपको उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपका कोड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो आपको यहाँ पर ये जो फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर आपको इसके पास में यहाँ पर क्लिक करना है, और एक एंटर करके एंटर प्रेस करके आपको दूसरा कोड पेस्ट कर देना है। तो अब सेव कर देना है आपको, सिंपली एक बार रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहो मल्टीपल, आप सिर्फ यहाँ पर इसमें ही आपको ऐड करने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं एक और प्रोडक्ट को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। गेट लिंक, बिल्ड लिंक, कोड को किया मैंने कॉपी, फिर से लेआउट में आइए और इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक एंटर प्रेस करके अपना जो कोड है वो पेस्ट कर दीजिए। रिफ्रेश, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपका तीसरा प्रोडक्ट भी वहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये बीच अधर ना लगे, तो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर हमने चार प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों अब आपके जो ब्लॉग का 50% काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपको जितने प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपका 50% काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फुटर है, फुटर में देखिए आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, साइट मैप, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो सारे पेजेस है इसमें आप कंटेंट अब कैसे डालोगे। ये पेजेस किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपको इन पेजेस को क्रिएट करना है। तो अगर आपको आता है ये पेजेस बनाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पेजेस बनाना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आप ये पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे करते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपको लिख कर सर्च कर देना है। जैसे ही करते हो तो आपके सामने एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आ जाता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। और इसको आप जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए योर कंपनी नेम, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डील्स 365, आपको कंपनी का नेम दे देना है, योर वेबसाइट नेम, आपको आपके वेबसाइट का नेम दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ से डील्स 365 दे देता हूँ। उसके बाद एंटर योर वेबसाइट URL, आपको आपके वेबसाइट का URL एंटर कर देना है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का URL दे चुका हूँ। और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो आप तो कुकीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पर से नो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू आउट गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, तो हम करते हैं नो। उसके बाद डू यू शो एडवर्टाइज फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, तो हम करते हैं येस। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से अपनी जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। उसके बाद स्टेट अगर आप करना चाहो तो, मतलब आप अपना स्टेट दे दीजिए, सॉरी यार ये क्या हो गया, स्टेट। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर से आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है आपको उसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आइए ब्लॉगर पर, और उसके बाद यहाँ पर पेजेस में आइए। पेजेस में आने के बाद आपको एक न्यू पेज बनाना होगा। न्यू पेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर से एक न्यू पेज बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एडिटिंग वाले सेक्शन में आइए, HTML व्यू को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कोड है आपको सेलेक्ट ऑल करके इस कोड को हटाकर आपने जो कोड पेस्ट किया है उसे आपको कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कंपोज व्यू में आ जाइए, और आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका प्राइवेसी पॉलिसी रेडी है। तो आपको यहाँ पर से प्राइवेसी पॉलिसी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पर टाइटल में आप प्राइवेसी पॉलिसी दे दीजिए, और उसके बाद आपको इस पेज को पब्लिश कर देना है। कंफर्म यस, आपको पब्लिश कर देना है। और पेज पब्लिश कर देने के बाद आपको एक बार पेज को व्यू कर लेना है, और व्यू करके ये जो पेज है इस पेज के URL को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद आपको आ जाना है ब्लॉगर पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर थीम पर आ जाना है।
थीम्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री डॉट्स है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एडिट HTML आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कीजिए, कहीं भी एक क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस F प्रेस करना है। आप जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपके सामने सर्च आ जाता है। तो आपको यहाँ से प्राइवेसी सर्च कर देना है लिखकर। तो जैसे ही आप प्राइवेसी लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी का वो आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर HREF के आगे यहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं हैश जो है यहाँ पर है, तो आपको इस वाले हैश को रिमूव करना है और आपने जो URL कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। तो अब ये जो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है हमारे ब्लॉग पर। तो एक बार रिफ्रेश यहाँ से हम कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लोड हो जाए, तो जैसे ही ये लोड हो चुका है यहाँ पर अब हम प्राइवेसी पॉलिसी जो है प्राइवेसी पॉलिसी हमने बनाई है। तो अब हम प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके हम देखते हैं। तो मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आ रहा है। तो ऐसे ही करके आपको ये सारे पेजेस बनाने हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, साइड मैप वगैरह। अभी मैंने आपको सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी बनाना बताया है, सेम होता है प्रोसेस। अगर आपको पेजेस बनाना नहीं आता तो लिंक मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद पेजेस को बनाइए। और आइए हमने जैसे अभी इस वाले प्राइवेसी पॉलिसी पेज को लिंक किया है वैसे ही आप लिंक कर सकते हो। अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो रही है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कीजिए, बैक करके देखिए कैसे करना है और आप इजीली कर सकते हो। सारे पेजेस क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पर एक जो आखिरी काम बचा है यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री लाइन्स है। जब मैं इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए टेलीविज़न है, एजुकेशन है, हेडफोन स्पीकर, तो इन सारों में आपको अपनी लिंक लगाना है। जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करके अमेजोन पर जाएगा तो उसको अगर वो हेडफोन पर क्लिक करता है तो उसके सामने सारे के सारे हेडफोन्स आने चाहिए। अगर वो टेलीविज़न पर क्लिक करके जाता है तो उसके सामने सारे टेलीविज़न्स आना चाहिए। तो आपको ये लगाना है। अभी के लिए यहाँ पर देखिए मैं हेडफोन पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक नहीं लगाई। तो आपको ये जो सारे यहाँ पर मतलब सारे कैटेगरीज है ये आपको सर्च करके वन बाय वन सारे लिंक्स लगाने हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर चलिए टेलीविज़न है यहाँ पर, तो चलिए अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट पर आ जाइए आप। और अकाउंट पर आ जाने के बाद आप होम में आ जाइए, सॉरी होम में नहीं, आपको अमेज़ॉन में आना है, नॉर्मल अमेज़ॉन में, आपके अमेज़ॉन एफिलिएट में नहीं, amazon.in में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर से आपको सर्च करना है जो भी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जिसमें भी लिंक लगाना चाहते हैं वो आपको क्या बोलते हैं सर्च करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से टेलीविज़न सर्च कर लेता हूँ, तो टेलीविजन्स मैंने यहाँ से सर्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं टेलीविज़न सर्च किया हूँ मेरे सामने वो सारे टेलीविज़न्स आ गए हैं। तो सर्च कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गेट लिंक, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो सेम लिंक आपके सामने आ जाती है, तो इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद अब आपको आना है आपके ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद में थीम में आइए, अभी जो हमने मतलब पेज जो लिंक किया था आपको वैसे ही थीम में आ जाना है। और थीम में आने के बाद कहीं पर भी आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करोगे तो आपके सामने सर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर से अब आपको टेलीविज़न सर्च करना है, टेलीविज़न आप जैसे ही सर्च करोगे टेलीविज़न आपको सर्च करना है। जैसे ही आप टेलीविज़न सर्च करे हो तो देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने टेलीविज़न आ गया है। तो आपको सिंपली इस हैश को हटा देना है और आपको अपना जो लिंक आपने कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपली सेव कर दीजिए और सेव आप जैसे ही करते हो, सेव कर देने के बाद अब चलते हैं एक बार हम यहाँ पर ब्लॉग पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन्स पे आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर टेलीविज़न है, अभी हमने टेलीविज़न ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं टेलीविज़न पर क्लिक किया हूँ तो मैं सीधा अमेज़ॉन पे चले जाता हूँ टेलीविज़न्स के पेज पर। तो जब भी कोई यहाँ पर से कोई भी प्रोडक्ट 24 आवर्स के अंदर बाई करता है तो उसका कमीशन जो है वो आपको मिलता है।
तो दोस्तों अब जो आपका ब्लॉग है वो कम्प्लीटली 100% यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन, होम थिएटर, ये सारा सर्च करना है आपको। सर्च करके सारे लिंक्स आपको प्लेस कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो ब्लॉग है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करने हैं। तो दोस्तों अब आपका जो एफिलिएट ब्लॉग है वो बनकर रेडी हो चुका है, बस देरी है तो आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। और दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप इस .com को हटाना चाहते हो, M2 से आपके ब्लॉग के एड्रेस को हटाकर आप डोमेन लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी लंबी ये वीडियो है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो में मैंने जो भी यूज़ किया है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। थीम हो गया और डाउनलोड बटन आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे अगर चाहो तो वहां पर फॉलो भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में मुझे काफी मेहनत लगी, काफी लंबी ये वीडियो बनी है, तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और जो भी मैंने थीम और डाउनलोड बटन यूज किया है इस वीडियो में वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, अगर आपका कोई डाउट या सवाल हो तो आप मुझे वहां पर DM करके पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। सो या गाइस, मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।